7 करोड़ ये केरल की। अच्छा आप लोग और क्लियरली समझेंगे, 37 सिनेमा हॉल में केरल में फिल्म चल रहा था जिसमें 77 हाउसफुल शो था। आप सोचिए केरला जहां से जहां की चीफ मिनिस्टर सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके हमारी फिल्म को डिस्क्रेडिट करके गए थे, ये बोले थे कि ये फिल्म प्रोपेगेंडा है, इस फिल्म कोई सच्चाई नहीं है इस फिल्म में। उन्होंने उस दिन बहुत लोगों की नजर से गिर गए थे क्योंकि जो बातें हमने फिल्म में बोला 2010 में जब वीएस अच्युतानंदन दिल्ली में आके बोले थे कि केरला 20 साल में इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, सबसे पहला जो कम्युनिस्ट लीडर उनको सपोर्ट किया था वो है पिनाडी विजय जो आज चीफ मिनिस्टर है, और उसकी जवाब केरला के लोग कैसे दिए, 77 हाउसफुल शोज इन केरला, मतलब किसी ने बिलीव नहीं कर सकता। आपको और स्टैटिस्टिक्स दूं, आंध्रा में हैदराबाद, सिर्फ हैदराबाद सिटी में जहां पे आरएसएस बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं है, हमारी फिल्म ग्रॉस किया है 23 करोड़, जो कोई हिंदी भाषा की फिल्म नहीं थी। ये बोलते हैं ना कि हम आरएसएस बीजेपी की प्रोपागेंडा कर रहे थे, उस जगह पे जहां से बीजेपी की सबसे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होता है वो है हैदराबाद, केसीआर की गवर्नमेंट है वहां पे, 23 करोड़ ग्रॉस किया है हमारी फिल्म। बिहार में एक एक नॉन बीजेपी आरएसएस गवर्नमेंट वाले सरकार की राज्य की नाम बोलू, हर जगह पे हमारी फिल्म। तो विवेक अग्निहोत्री हमारे बहुत अच्छे दोस्त है, मतलब कश्मीर फाइल एक बहुत ही सक्सेसफुल जो भारत में पहले बार भारत पे आत्मा को झिझो रहे थे सिनेमा के पर्दे में, हर जगह पे हमारी फिल्म कश्मीर फाइल की रिकॉर्ड को तोड़ते हुए गए। ये क्रेडिट वाली बात नहीं है, ये बात उनके लिए जवाब है जो बोल रहे थे कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। प्रोपेगेंडा फिल्म अगर काम करता इस देश की साइकी में तो आदि पुरुष जैसे फिल्म की इतने बुरे हाल नहीं होता जो 7 दिन में खत्म हो जाते। तो आरएसएस बीजेपी की शाखाओं में ये इंस्ट्रक्शन डेफिनेटली नहीं दिया गया था कि केरला स्टोरी को सक्सेसफुल बनानी है। अगर दिया होता और उसकी वजह से होता तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बायोपिक भी सक्सेसफुल होते और आदि पुरुष भी सक्सेसफुल होते। भारतवर्ष के लोगों को अंडर एस्टिमेट करना अब बंद होना चाहिए, अच्छे सिनेमा की नैरेटिव और अच्छे सिनेमा की इंपैक्ट क्या हो सकता है वो केरला स्टोरी ने दिखाया, और सिर्फ बॉम्बे में या दिल्ली में नहीं भारतवर्ष की कोने कोने में दिखाया। बेशक बहुत लोगों ने इस फिल्म की फ्री शो करवाए, तो मुझे ये लगता है कि ये हमारी सक्सेस है, हमारी समाज की इकट्ठा आने का, एक भारत की लड़कियों की एक मूवमेंट चला था सेव इंडियन डॉटर्स, ये मूवमेंट हमने नहीं चलाया था, ये मध्य प्रदेश रायपुर की कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने, ये मूवमेंट चलाए थे, ये बहुत 3-4 दिन ट्रेंड करते रहे। कमिंग बैक टू द होल प्लानिंग अबाउट केरला स्टोरी, जिस दिन मैं 2014 की बात थी, 2014 में मैं केरल त्रिवेंद्रम में था, आप लोगों ने पता नहीं कितने लोगों ने ये घटना के बारे में सुने थे, जो सारे देश की नजर इस सब्जेक्ट के ऊपर आया था। ये अथीरा नाम की एक लड़की की कहानी थी, 19 साल की लड़की थी जिनकी इंडोक्ट्रिनेशन होके ब्रेन वॉश हो चुका था, और अथीरा का शादी हो जाता है एक लड़के से, शादी होने के एक मुस्लिम लड़के से, शादी होने के बाद अगले 2-3 दिन में उसको पता चलता है कि उसका पासपोर्ट बन चुका है, उसकी सीरिया की वीजा बन चुका है उसकी जानकारी के बगैर, और तब उसने वो लड़की ने छोटी सी लड़की ने ताकत दिखाई और वो वहां से भागा, भाग के घर आया और नियरेस्ट एक मंदिर में
उसने धर्म दोबारा धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म में वापस आई। लेकिन उसको प्रेस जब खबर पता चल गया, पुलिस स्टेशन गई हो, जब प्रेस सरकारी मशीनरी पुलिस उसको चेज कर रहे थे क्योंकि ये बहुत बड़ा न्यूज था, तो उसने वो लड़की नर्वस हो गई थी। तो वो उसका माँ बाप ने डिसाइड किया कि उसका गांव में चले जाएंगे ताकि वो लड़की को थोड़ा सा प्रेस वगैरह से थोड़ा सा अलग रख सके। उसका गांव था कासारगोड करके, एक्सट्रीम नॉर्दर्न एक डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज्यादा ये कन्वर्शन की प्रॉब्लम उस जगह से है, उस जगह से शुरू होता। मैं अभी दो मिनट में आप लोगों को उसके उस उत्तरी केरला के बारे में बात करूंगा। तो वो शाम को एक ट्रेन लेना है माँ बाप के साथ और सुबह कासारगोड पहुंचते हैं। कासारगोड स्टेशन से उसकी गांव था 25-30 किलोमीटर दूर। जब वो गांव पहुंचता है देखता है पिछले रात को उसके घर को आग लगा के उसके घर को बिल्कुल बराबर कर दिया था, एकदम पूरे खत्म हो गया था उसकी घर। तो ये घटना सुनने के बाद मुझे दो अद्भुत फीलिंग हुई। एक हुआ कि ये कोई आम कन्वर्शन की इशू नहीं है, ये कन्वर्शन का मामला तो है जरूर लेकिन आम कन्वर्शन मामला नहीं है। इसमें कुछ जरूर कुछ एक ऐसे मुद्दे हैं जो मुद्दे शायद लोगों ने डिस्कस नहीं कर रहा है। तो उसकी एज अ फिल्म मेकर मेरा इंटरेस्ट तो था ही। तो नेक्स्ट घटना हुई, मैं कोची के पास एक जगह पे गए, एक घर में गए उसी कनेक्शन लेके, जहां पे 12-13 ऐसे रिकन्वर्टेड लड़कियां घर में रह रही थी। उन लड़कियों में से एक टीचर थी, तीन टीचर थी, कॉलेज के प्रोफेसर थे लेकिन यंग थे सब, सब ऐसे ही। मैं आप लोग उसको जिसको लाभ जिहाद बोलते हैं, मैं उसको लाभ ट्रैप जिहाद बोलता हूँ या मैनिपुलेटिव जिहाद बोलता हूँ, मैनिपुलेटिव कन्वर्शन बोलता हूँ। ये मैनिपुलेटिव कन्वर्शन की शिकार 12-13 लड़की वहां पे थी। उस घर की, उस फ्लैट की इलेक्ट्रिसिटी काट दिया गया था, इतना सा दरवाजा खाली खुला था जिसकी लाइट से मैं इन लोगों से इंटरेक्ट कर रहा था। तीन दिन से खाना नहीं खाए थे क्योंकि वो लोगों जब खाना लेके बाजार से आते थे उसकी बैग छीन लिया जाता था या बैग में जो सब्जियां होती थी उसको नाली में फेंक दिया जाता था। और इन तीन दिन से जो खाना नहीं खाए वो लड़कियों की भूख से ज्यादा डर जाता था। और वो 12-13 लड़की आज भी आप लोग मिल सकते हैं उन 12-13 लड़कियों ने, उन्होंने एक संस्था बनाया जिसका नाम है आर्षा विद्या समाजम। और वो 12-13 लड़की के साथ दिल्ली में बॉम्बे में आए थे, अब पूरे इंडिया घूम रही है ये बोलने के लिए कि ये जो फिल्म बना ये हमारी जिंदगी है। आज मीडिया इन लोगों को ब्लैंकेट सपोर्ट दे रहा है, रास्ते में कहीं पे भी जा सकती है, ये लोग अभी तक जा नहीं सकती थी। तो इन लोगों से इंटरेक्शन के बाद, इन लोगों से मिलने के बाद और केरल स्टोरी की जो डिबेट के बाद जो सिचुएशन आज है, जो क्रिटिसिज्म हमारे नाम पे लगे हुए थे कि हमने बीजेपी आरएसएस की एजेंडा को प्रोपागेट कर रहे थे, हमने एंटी मुसलमान एजेंडा लेके फिल्म बनाए थे, वो क्रिटिसिज्म काफी कम हो गया। लेकिन एक चीज जो हुआ जिससे मुझे लगता है कि आज की जो सब्जेक्ट है सिने जगत में समाज की परिवर्तन की भूमिका, ये मूवमेंट जिसकी क्रेडिट मैं नहीं लेता, आम लोगों की क्रेडिट है कि ये फिल्म अभी सिनेमा हॉल से चले गए लेकिन एक परमानेंट इम्प्रिंटेशन छोड़ा और लोगों ने ये डिसाइड कर लिए कि ये सब्जेक्ट को मरने नहीं देंगे, सब्जेक्ट को खत्म होने नहीं देंगे। और किसी भी वक्त किसी भी जगह पे इस तरह की इंसिडेंट जब भी हो रहा है लोग आगे आके इस तरह इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं जो एक डिस्टिंक्ट चेंजेस सोसाइटी में देखने को मिलता है कि रिलीजियस फैनेटिज्म इस देश की और कोई छुपे हुए इशू नहीं है, ये पब्लिकली बहुत डिस्टिंक्टिवली इसको हमने अलग कर चुके हैं। ये और ये असर पूरे देश में दिखने को मिल रहा है। इसमें मालूम नहीं किन किन पॉलिटिशियंस की दुकान बंद हुई है, एटलीस्ट
रेस्पॉन्स सोशल मीडिया से हमें मिलता है या पर्सनल कम्युनिकेशन से मिलते हैं उसमें देश की लड़कियां बहुत सेफ महसूस करते हैं, इसमें तो कोई मेरे अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है या कोई ऐसा कोई इशू नहीं है कि ये समझने के भी ये हो भी सकता है, ये हो चुका है। और ये आगे इस तरह की सब्जेक्ट लेके लोग जो अवॉइड करते थे पब्लिक फोरम में बात करना, एटलीस्ट ये हमारी समाज की अभी एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं कि सामने आके बात करना और इस सब्जेक्ट को प्रॉपरली टारगेट करना। ये लेफ्ट नैरेटिव वंस अगेन बीइंग चैलेंज्ड इन आवर सोसाइटी, ये हमारी फिल्म की सक्सेस करके मैं मानता हूं। इंपॉर्टेंट ये है कि हाँ 300 करोड़ कमाए मेरी फिल्म या 3.5 करोड़ लोगों ने यह फिल्म को देखा, लेकिन 3.5 करोड़ ये नंबर से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन 3.5 करोड़ की जो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है। तो मेरी डिस्कशन को अगर मैं शॉर्ट करूं और खत्म करूं तो मैं इस जगह पे बंद खत्म करना चाहता हूं कि ये एक बहुत बड़ा थ्रेट को हम लोगों ने आइडेंटिफाई की और उसकी जवाब में जो एक कॉन्शियस क्रिएट हुआ है इस देश में उसको, ये एक इनिवर्सिबल चेंज है, ये इनिवर्सिबिलिटी देश में रहने वाले हैं।